देखो इधर देखो कैमरे पे देखो। फ्रेंड्स मोही का एडमिशन हो गया है ना, रिजल्ट मिल गया है और नई बुक्स वगैरह ड्रेस वगैरह परचेज हो गई है। कल 1 अप्रैल है और आज है 31 मार्च। तो वीरू कह रही है कि मुझे भी जाना है। अभी एक्चुअली एडमिशन का डेट आया ही नहीं है क्लास वन का केवी में, केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं कैसे भेज दूँ। वीरू ये मैटर समझ नहीं रही है। वीरू कह रही है कि मुझे जाना है तो जाना है भैया के स्कूल में जाना है। मम्मी ये तो भैया के लिए सब कुछ खरीदी है, मेरे लिए कुछ नहीं खरीदी है। अब ये बताइए मैं वीरू को कैसे समझाऊं कि वीरू जब एडमिशन होगा तभी तो ड्रेस खरीदाएगा, तभी तो बुक्स खरीदाएगा, तभी तो कॉपी खरीदाएगा। वीरू नहीं समझ रही है, वीरू इतनी नादान बच्ची है ना कि क्या बताऊं मैं। इधर देखो कैमरे पे। अब ये शिकायत कर रही है डैडी से कि मम्मी गंदी है। तुम्हारा एडमिशन जब हो जाएगा ना तो उसी दिन चलेंगे, जिस दिन तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा उसी दिन चलेंगे, तुम्हारा कपड़ा खरीदेंगे, तुम्हारा यूनिफॉर्म खरीदेंगे, बुक्स खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे। देख ना बेटा इधर खाना, उधर ठंडा हो रहा है तुम्हारा खाना, डैडी को भी खाना देना है। देखो डैडी कह रहे हैं खाना ले आओ जल्दी, हमको सोना है, ड्यूटी जाना है, डैडी का ड्यूटी देने वाला है। और वीरू हमको परेशान करके रखी है, रो रही है। इधर देखो बात समझते हैं बेटा, पहले बात समझते हैं। इधर देखो कैमरे पे हाँ हंसने लगी। रोया मत कर, है ना, आएगा सब कुछ तेरे पास आएगा, स्कूल बैग भी आएगा। इसके पास स्कूल बैग भी नहीं है, ये मोही का ना अबैकस हो क्या चीज, फॉर्म अभी नहीं निकला यार, स्टेटस पे देगा वो। एक दुकानदार है जेके शॉप, उसके पास मेरा मोबाइल नंबर है, वो स्टेटस लगाता है ना तो मेरे पे शो करता है, तो उसी पे जब शो करेगा ना तभी हम इसका एडमिशन कराएंगे, ऑनलाइन एडमिशन होता है। अब ये नादान बच्चा छोटा बच्चा क्या जाने कि एडमिशन क्या होता है, बुक्स क्या होता है, कॉपी क्या होता है। कॉपी बुक्स तो जानते हैं सब, एडमिशन जब होगा ना तभी वो जाएगी पढ़ने, ऐसे कैसे हम छोड़ दें उसको। अब तो वो जो तो और फ्री हो गई है, शांता मेमोरियल बंद हो गया, अब उसको केवी में जाना है, केवी में जाने में भी उसको 2 महीने लग जाएंगे। अप्रैल भर पूरे तो एडमिशन होगा, मई में तो वैसे ही 4 मई को समर वैकेशन हो जाता है, समर वैकेशन भी चला जाएगा। हमें लगता है ना 21 जून को स्कूल ओपन होता है वो समर वैकेशन के बाद से, उसके बाद तभी जो ये लड़की जा पाएगी स्कूल, या तो जुलाई से 1 जुलाई से जाएगी या फिर 21 जून से, क्या पता उसके पहले जो तो चांसेस ही नहीं है। और उसकी बुक्स वगैरह परचेस करेंगे जब उसका आ जाएगा मार्केट में तभी, क्योंकि क्लास वन का मोही का है, मोही अभी इस साल क्लास 4 में गया है और क्लास 1, 2, 3 उसकी तीनों साल की किताबें मेरे पास हैं। वो एक्चुअली जमा तो करना होता है क्लास में, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं बोल देती हूँ कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, मैं ट्यूशन लेती हूँ, इसलिए मुझे भी किताब की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने पास रखती हूँ किताब को। लेकिन इस साल मैंने मैडम से बोला कि मैम मेरे पास मोही की किताबें रहने दीजिए ताकि मैं उसको अपना पढ़ा सकूँ। तो क्लास 4 का तो एडमिशन का सारा बुक्स वगैरह कलेक्ट कर लिया मोही। अभी वीरू की नज़र में है कि मोही की किताब, तो मैं कह रही हूँ पुराना वाला पढ़ो, जो 3 साल पहले परचेस किए थे क्लास 1 का बुक, वो पढ़ो तुम वीरू, और उसके बाद से जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो न्यू पब्लिकेशन का बुक खरीद लेंगे, फिर वो पढ़ना, क्या दिक्कत है। हाँ मेरा डांट टूट रहा है। कौन सा? योला। हाय राम, संभाल के चोट ना लगे। खीर खाए कि डैडी को दे दी? ये लगा खेल रहा। खीर खाए हो कि दे दी हो डैडी को? दे दी। ठीक किया, अच्छा किया। डैडी भी नहीं खाए यार, खा लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी रोटी बनाते हैं, अभी रोटी बनाना है। किस चिप्स का है? हटा, रोटी बनाएंगे, उसके बाद से दूध रोटी डैडी को, दूध रोटी मोही को, वीरू को, तीनों लोग को, उसके बाद से सोया जाएगा। फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ जवार के आटे की रोटी। ये है जवार का आटा, नॉर्मल पानी से गूंथ लेंगे, उसके बाद तब इसका रोटी बनाएंगे। YouTube से ही देख के सीखे हैं, बड़ा अच्छा फूलता है, और आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए मैं जवार का आटा खिला रही हूँ सबको, पूरे घर भर में सब लोग जवार का आटा खा रहे हैं, जवार के आटे की रोटी खा रहे हैं। नहीं, डैडी भी खा रहे हैं, सुबह भी खाए हैं, अभी भी खाएंगे। जवार के आटे की रोटी और दूध बहुत टेस्टी लग रहा है, जैसे मक्के की रोटी लगती है ना वैसे।
मक्के की रोटी मोही और डैडी डैडी पता नहीं खाए कि नहीं, मोही नहीं खाया है, मैं तो खाई हूँ छोटे पर बचपन में, मेरी मम्मी बना बना देती थी हम लोग, हम खाते थे मक्के की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग और छाछ, लस्सी, लस्सी नहीं वो जो मट्ठा होता है ना मट्ठा वो। और फ्रेंड्स मम्मी ना छोटे पे ताल गोला भी खाई है। ताल गोला? ताल गोला क्या होता है वीरू? तुमको दिखाया है ना आज हम रास्ते में, आज हम लोग जा रहे थे जब कैसी पता करने लिए, नहीं कैसी खरीदने, हम लोग बजट से बाहर जा रहा है, जो बढ़िया कैसियो है 3 साल की वारंटी दे रहा है वो कैसियो मिल रहा है 9,500 में, लक्ष्मी रोड अजमेर सिंह पुणे, अजमेर सिंह शॉप का नाम है, लक्ष्मी रोड है और पुणे, तो वो होलसेलर है और वो साफ साफ मुझे दिखाया है, भी नाम लिस्ट दिखाया, प्राइस लिस्ट, कि वही कैसियो उनके दुकान से 10,999 रुपए में बिक रहा है, लेकिन वो दुकानदारों को बेचते हैं और मैं कस्टमर हूँ जो डायरेक्ट उनके पास जाती हूँ होलसेल में, तो इसलिए वो मुझे तो कहते हैं कि कस्टमर आप कस्टमर हो तो आपको मैं कम में दूंगा, 9,500 में दूंगा। अब आज संडे था, हम लोग निकल गए शाम को 5 बजे और बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने कहा कि संडे को हम बिलिंग नहीं करते हैं, हम मंडे में बिलिंग करते हैं, तो लेना मुश्किल हो गया, चले आए खाली हाथ हम लोग सब कुछ डन होने के बाद भी। क्या बताया जाए मन में, अब मन आगे पीछे हुआ है, लिया जाए कि नहीं लिया जाए। चलिए तब तक बनाते हैं ज्वार के आटे की रोटी और डैडी को खिलाते हैं, मम्मी को खिलाते हैं दूध रोटी। लगाएंगे रोटी पे, मैं नाचती छम 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 पानी में होके समा चली गई, और थम कहाँ है बेटा, नाखून में डिब्बा से जवारी काटा निकाल रहे थे, उसी डिब्बा के कोरी से चोट लग गया। अब क्या बताएं, पूछेंगे नहीं, अभी पहले रोटी बना ले, डैडी को दे दे, डैडी को भूख लगी है, डैडी खाना खाएंगे उसके बाद से सोएंगे, क्या पता कब ड्यूटी देगा, कोई भरोसा नहीं है। हाँ बोलो। क्या हुआ? 2023 को जब एक बार मैं नवंबर में स्कूल गया था ना, एक बच्चे के हाथ में ना ये नाखून के अंदर, यहाँ पे जो स्पेस है ना उसके अंदर पेंसिल की टोक घुस गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके अंदर फिर क्या हुआ? इसके हाँ फिर क्या हुआ? फिर टोक घुस गई तो अरे यहाँ तक आ गई थी, यहाँ पे टोक घुस गई थी, वैसे ही मेरे नाखून में बर्तन घुस गया है। हाँ बोलो। क्या ये भैया है? भैया बनाएगा दो मुल्ला का तुम्हें काली ये रातों में बातों ही बातों में दर्द दे दिया तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। क्या डैडी बस दो रोटी खाएंगे? बस दो रोटी खाएंगे, चलिए ठीक है, दो ही खाइए, क्या करना, खाना तो खाइए। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, फुल जाओ फुल जाओ भैया, जल्दी जल्दी फुल जाओ, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।
बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, रख लो छुपा के तुझे सीने से लगा दिया वो गले लग जा, खाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखो मेरे पास आ, दोनों लपटों तो में काली। एक हमको ना ब्रश लाना है जो नहीं रबड़ वाला होता है, ऐसे ऐसे वो लिक्विड ऑयल वगैरह पॉलिश करते हैं केक पे, ऑयल वगैरह कर शुगर सिरप पॉलिश करते हैं वही वाला लाना है। ये छन्नी मेरा दे तो हट जाएगा, तब छन्नी का काम है तो वही करेगा। है इससे ना रोटी मुलायम होती है पानी लगाने से। जवार के आटे की रोटी गूंथ के और फ्रीज में कभी मत रखिए, मात्र एक घंटे बाद ही वो जो आटा गूंथा हुआ आप रखेंगे ना वो कभी रोटी बनेगा ही नहीं। इतना मतलब गीला हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद से कि उसमें आपको जवार का और आटा सूखा मिला के और तब फिर गूंथना पड़ता है, तब जाके वो रोटी बनती है। इसलिए रोटी आटा जब भी गूंथिए जवार के आटे को, तुरंत जितना है उतना सब रोटी बना करके हटा दीजिए, नहीं तो वो कभी उसको फ्रिज में रखिए ही मत जवार के आटे को, रोटी बनाइए तुरंत खा के खत्म करिए, तभी ऐसे तो बेल पाएंगे, नहीं तो जवार के आटे की रोटी फटती ज्यादा है। रखो छुपा के तुझे सीने से लगा के आज गले लग जा, खाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखो मेरे पास आ, दोनों लगतों में काली रातों में बातों ही बातों में दिल दे दिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। देखिए फूल गया ना रोटी, मेहनत नहीं लगता है जवार के आटे की रोटी बनाने में, बस जब गूंथिए तुरंत बना के खत्म करिए। जितना भी बनेगा बना के फटाफट खाना दे के काम खत्म, सोया जाए, कल जल्दी उठना है, कल मोई को स्कूल भेजना है, कल उसके क्लास 4 2024-25 सत्र का पहला दिन है और क्लास टीचर महोदय ने मैसेज किया है कि अटेंडेंस इज कंपलसरी। बहुत गोरी गोरी बनती एकदम वाइट वाइट। वीरू को भी दे देंगे दूध रोटी खा लेगी तब सोया जाएगा सब लोग। देखिए बड़े आराम से बन रही है रोटी जवार के आटे की, आराम से दे लो गेहूं के आटे की रेसिपी जैसे पतला पतला। अभी इसमें गीला है, पलटेंगे ना तो चिपक जाएगा आपस में। थोड़ा फूला है थोड़ा नहीं फूला है। यहाँ बहुत गर्मी है, गजब की गर्मी है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मजा आ जा रहा है पसीने से भीग भीग के। अरे यार पानी लगाना भूल गई, इसको फटने लगा है फट से, इसलिए रोटी फट जाती है, पानी नहीं लगाएंगे ना रोटी फट जाएगी। वाओ ये फूल गया बिना मेहनत का, वाओ।